नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट के 2G बेंच के सप्ताहों बाद एयरसेल मैक्सिस घोटाले को 6 महीनों में खत्म करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI और प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को कठोर निर्देश दिए गए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम अपनी चाल पर है, शायद यह देखकर कि सावधानी से निर्मित कवच नष्ट हो रहे हैं। चिदम्बरम जांच अधिकारियों को बदनाम करने के लिए बेनामी बेवकूफ याचिकाओं के साथ बाहर आ गए हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि अपनी राय जरूर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। चलिए शुरू करते हैं। चिदंबरम ने एक कुख्यात फिक्सर उपेंद्र राय की सेवाओं का इस्तेमाल किया है, जो एक पूर्व पत्रकार है जिन्होंने सहारा और तहलका के साथ काम किया है ताकि ईडी के जांच अधिकारी राजेश्वर सिंह के खिलाफ एक गंभीर शिकायत दर्ज की जा सके। 2011 में चिदंबरम और गिरोह ने उपेंद्र राय की सेवाओं का इस्तेमाल किया था और उन्हें यानी राय को सुप्रीम कोर्ट से अवमानना शुल्क का सामना करना पड़ा था। इस अनौपचारिक गिरोह ने अक्टूबर 2010 में विवादास्पद लॉबिस्ट नीरा राडिया को समन भेजे जाने के बाद सिंह को लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया था। उपेंद्र राय सहारा समूह के साथ उस समय मुख्य संपादक के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने और सहारा के मालिक सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से अवमानना शुल्क का सामना करना पड़ा और स्वयं को बचाने के लिए सुब्रत राय ने समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए थे कि उनका एवं उनके समूह का उपेंद्र राय और उनके भाई के साथ कोई संबंध नहीं था। चिदंबरम ईडी के गैर व्यवहार्य और ईमानदार अधिकारी राजेश्वर सिंह को हटाने के लिए अपने स्तर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे और मुख्य याचिकाकर्ता और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बार बार हस्तक्षेप के कारण चिदंबरम और उनके सहयोगी इस चाल में विफल रहे। चिदंबरम और सहयोगी पिछले 7 सालों से राजेंद्र सिंह के पदोन्नति को उपेंद्र राय के ब्लैकमेलर गिरोह द्वारा दायर की गई शिकायतें या गुमशुदा शिकायतों का इस्तेमाल करके अवरुद्ध कर रही है। एयरसेल मैक्सिस घोटाले के सिलसिले में बेटे कार्ति की फर्मों में दिसंबर 2015 में राजेश्वर सिंह की अगुवाई में छापे के बाद चिदंबरम का सावधानी पूर्वक निर्मित मुखौटा ढह गया और अवैध सौदों के खजाने के ढेर का पता चला। चेन्नई की आयकर इकाई के साथ इस संयुक्त अभियान ने चिदंबरम परिवार की अवैध संपत्ति 14 देशों में और 21 अघोषित विदेशी बैंक खातों में उजागर की है। इस छापे ने INX मीडिया घोटाले का खुलासा किया। चिदंबरम लंबे समय से राजेश्वर सिंह के खून के प्यासे हैं। 1200 करोड़ रुपए के साथ किसे सरकारी नौकरी की जरूरत। इस बार एक सप्ताह बाद 23 मार्च को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने CBI और ईडी को 6 महीने के भीतर एयरसेल मैक्सिस घोटाले के खिलाफ जांच पूरी करने का आदेश दिया। अचानक उपेंद्र राय ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि राजेश्वर सिंह एक भ्रष्ट अधिकारी हैं और आरोप लगाते हुए कहा कि वह और उनके परिवार के पास 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। यह 2011 में उपेंद्र राय और गिरोह द्वारा दायर की गई एक समान शिकायत के कट और पेस्ट की तरह दिखाई दिया और शीर्ष अदालत ने निंदा की। आशा है कि इस बार सर्वोच्च न्यायालय इस निराशाजनक याचिका का गंभीर ध्यान रखेगा और एजेंसियां इस बेनामी याचिकाकर्ता के बारे में गंभीर कदम लेंगे। आखिर यह उपेंद्र राय कौन है, यह अब आप जान ले। 1982 में पैदा होने का दावा करने वाले उपेंद्र राय सहारा समूह और तहलका पत्रिका में संपादक थे। हालांकि वे किसी भी मान्यता प्राप्त मीडिया संगठन का हिस्सा नहीं है, फिर भी वे सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने के लिए अपने प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB मान्यता कार्ड दिखा रहे हैं। वे सभी हवाई अड्डों में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS द्वारा जारी अत्यधिक संवेदनशील हवाई अड्डा प्रवेश पास यानी AEP भी दिखा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने पाया है कि वे संवेदनशील हवाई अड्डा प्रवेश कार्ड को प्राप्त करने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट कंपनी निदेशक बनने का दावा कर रहे हैं। यह एक रहस्य है कि उन्होंने केवल एक पत्रकार होते हुए PIB कार्ड कैसे प्राप्त किया। यह दिखाता है कि उपेंद्र राय कैसे सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोगों से आपराधिक रिश्तों का आनंद ले रहे हैं। उपेंद्र राय एक स्थायी जोड़ है जिसे अक्सर उत्तर ब्लॉक और दक्षिण ब्लॉक में देखा जाता है। कई CBI अधिकारियों के मुताबिक पिछले 2 सालों से उपेंद्र राय का नाम एजेंसी द्वारा तैयार किए गए अवांछित संपर्क पुरुषों यानी UCM की सूची में है।
इस सूची में नामित व्यक्तियों के संपर्कों से बचने के लिए सरकारी अधिकारियों के लिए एक सावधानी चेतावनी है। और आमतौर पर इस सूची में बिचौलियों और दलालों का नाम दिया जाता है। यह फिर से सवाल उठता है कि यूसीएम सूची में नामित एक व्यक्ति ने पीआईबी पत्रकार कार्ड और हवाई अड्डा एंट्री कार्ड कैसे प्राप्त किया। 2011 में सहारा समूह पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवमानना शुल्क का थप्पड़ मारने के बावजूद एजेंसियों ने पाया है कि समूह ने 2017-2018 के दौरान उपेंद्र राय को 6,01,00,000 रुपए का भुगतान किया था, लेकिन सुब्रत राय ने सर्वोच्च न्यायालय में दावा किया कि उनके पास पैसा नहीं है। यह कुख्यात फिक्सर जो अब चिदंबरम के प्यादे के रूप में काम कर रहा है, दक्षिण दिल्ली यानी C24 ग्रेटर कैलाश एक नई दिल्ली में 30 करोड़ रुपए के बंगले में रह रहा है। उपेंद्र राय पहले से ही कई एजेंसियों के रडार पर है जो उनके द्वारा संचालित किए गए हवाला चैनलों और शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, जिन्हें एक ही उद्देश्य के लिए शामिल किया गया है। ऐसा एक शानदार उदाहरण है मेसर्स डेक्सजेट कंप्यूटेक सॉल्यूशंस दिल्ली, जिसने मार्च 2016 में मेसर्स उपेंद्र राय और एसोसिएट्स को 3,08,00,000 रुपए का भुगतान किया है। क्या इस कंपनी ने अपनी नकदी को चेक में बदल दिया? क्या यह मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA की रोकथाम के प्रावधानों के लिए हाथ में है? यह भी जरूरी है कि CBI भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम से इस लेनदेन की जांच करे। किसने इन भुगतानों को और किसके लिए किया? उसके पास कई महंगी कारें हैं। एक व्यक्ति जो पत्रकार है और 36 साल की उम्र में ऐसी संपत्ति जमा कैसे कर सकता है? सूचित सूत्रों ने पी गुरुज को बताया है कि उपेंद्र राय आयकर या CBI छापे के प्रावधान में प्रभावी ढंग से कॉरपोरेट दुनिया से धन निकालने के लिए वित्त मंत्रालय और आयकर में कई नौकरशाहों का उपयोग कर रहे हैं। उपेंद्र राय सोनिया गांधी के करीबी सहयोगी अहमद पटेल के बहुत करीबी हैं। अब चिदंबरम ने एयरसेल मैक्सिस जांच को तोड़ने और ईमानदार जांच अधिकारी राजेश्वर सिंह को डराने के लिए एक निराशाजनक याचिका दायर करने के लिए अपने बेनामी उपेंद्र राय का इस्तेमाल किया है। CBI ने उपेंद्र राय के गंदे सौदों की जांच की है। आपसे अनुरोध है हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। अगले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज़ नेशन।